2010 में एक पिक्चर आई थी पीपली लाइव, उसका गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। आज ये गाना देश की एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है। साथियों, आज इस देश में जानलेवा महंगाई है, और इस जानलेवा महंगाई के चलते दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है। इस मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 30 साल की सर्वाधिक महंगाई देने का काम और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारत देश ने किया है, और मुझे बताते हुए बहुत चिंता और दुख होती, बहुत दुख होता है कि इस देश में एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन यानी कि अनियंत्रित महंगाई के चलते देश की जो एक आम थाली होती है जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, प्याज टमाटर होता है, पनीर होता है, वो एक आम थाली 24% महंगी हो गई है। 24% उसमें प्राइस राइस हुआ है। दूध, दही, चावल, आटा, दाल, चाय, कॉफी, इस पर तो अंग्रेजों ने भी कभी टैक्स नहीं लगाया, जो आज की प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार लगाए जा रही है, लगाए जा रही है। और इस दौर में, इस घटती कमाई और बढ़ती महंगाई, घटती कमाई और बढ़ती महंगाई के दौर में जनता को अब आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। साथियों, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर और पदार्थों को इतना महंगा कर दिया कि आज जब महीने के अंत में एक आम आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है ये देखने के लिए कि कुछ 2-4 पैसे भी बचे कि नहीं बचे, तो उसे बड़ी बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है। साथियों, जब ये सरकार बनी थी 2014 में भाजपा की, मोदी जी की सरकार, तब पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर मिलता है। डीजल 45 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 90 रुपए प्रति लीटर मिलता है। दूध लगभग 34-36 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 7 रुपए प्रति लीटर मिलता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज लगभग 1100 रुपए का मिलता है। यानी कि महंगाई को डबल ट्रिपल करने का काम जो केंद्र में बैठी सरकार ने किया, उससे जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। मैं महाभारत का एक अंश आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में एक राजा के क्या 36 गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ, और ये उल्लेख और ये सीख खुद पितामह भीष्म ने बाणों की मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, खुद युधिष्ठिर को ये 36 गुण जो राजा में होने चाहिए उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सीख दी। उसमें एक गुण था क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ यानी धन संग्रह करना, यानी कि राजा को किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं, यानी कि खूब टैक्स लगाकर महंगाई कर जनता से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा राजा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने राजधर्म को त्याग दिया। लेकिन एक सूबे की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने राजधर्म का पालन किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया, और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं, वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते।